हर कहानी कुछ बोलती है, कुछ आपके बारे में तो कुछ मेरे बारे में। लेकिन आज मैं सूत्रधार बनकर आपको सुनाऊंगी गीत की कहानी। जरा दिल से सुनिएगा। दिल्ली का साउथ एक्स इलाका, वहाँ शानदार सोसाइटी और वहाँ के घर में गीत रहती थी। वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने आई थी अपनी कजिन सिमरन के साथ। दोनों आराम से वहाँ रहते उसी बिल्डिंग के एक घर में। सागर और उसका बेस्ट फ्रेंड प्रियराज रहता, जो कि इंजीनियरिंग कर रहे थे। सोसाइटी में तीज का त्यौहार मनाया जा रहा था। वहाँ पर सागर ने जब गीत को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसका गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, इतनी सुंदर लड़की उसने कभी देखी नहीं थी। अब तो उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई थी। वो गीत को हमेशा आते जाते देखा करता। उसने अपने दोस्त प्रियराज से अपने दिल का हाल बताया। संयोग से प्रियराज और सिमरन अच्छे दोस्त थे। सिमरन याद है ना, गीत की कजिन जिसके साथ गीत रह रही थी, याद आया ना। चलो आगे चलते हैं। प्रियराज ने सागर को कहा कि वो सिमरन से बात करेगा। प्रियराज ने सिमरन को फोन कर सागर के दिल का हाल बता दिया। लेकिन गीत की शादी तय हो गई थी। वो लोग हम लोगों के फैमिली फ्रेंड हैं और मोहाली में रहते हैं, ऐसा कहा सिमरन ने प्रियराज से। गीत की शादी को तय हुए एक साल हो चुका है और 4 महीने बाद सिमरन की और गीत की ग्रेजुएशन पूरी होते ही गीत की शादी हो जाएगी। सागर को जब पता चला तब वो बहुत सीरियस हो गया। लेकिन लव, जो उसका एक और दोस्त था जिसे सब लव गुरु भी कहते थे, उसने कहा तो क्या हुआ, शादी तय हुई है, हुई तो नहीं ना। शादी तय हुई है, हुई तो नहीं ना। अब गीत भी ये सब जान गई थी। उसने आज सागर को जब पहली बार करीब से देखा तो उसे सागर काफ़ी हैंडसम, ऊंचा, लंबा व काफ़ी आकर्षक लगा। लेकिन उसके मन में कोई ख्याल नहीं था। अब अगले ही दिन प्रियराज का जन्मदिन आया। लव गुरु ने गीत और सिमरन को इनवाइट करने का सुझाव दिया। गीत जाना नहीं चाहती थी, मगर सिमरन के बार बार कहने पर वो चली गई। उसने गुलाबी रंग का सूट पहना था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सागर तो उसे ही देखता रह गया। सागर, आज का ये मौका है, तुझे उसे प्रपोज करना है, फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, लव गुरु ने सागर से कहा। सागर को इसी घड़ी का इंतजार था शायद, वो भी गीत से बात करना चाहता था। प्रियराज ने केक काटा, सभी बातें कर रहे थे। अचानक प्रियराज ने सिमरन को किसी बहाने से बुला लिया और सागर के पास सिर्फ यही मौका था। सागर गीत के पास जाकर बैठ गया। गीत थोड़ा कॉन्शियस हुई। हाय, सागर ने कहा। हेलो, गीत ने जवाब दिया। एक्चुअली मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दत्त, प्यार की बात करने से पहले उसके मुंह से यही निकला। अक्सर ऐसा ही होता है। और गीत ने कहा, हाँ श्योर, हम दोस्ती कर सकते हैं। फिर दोनों बातें करने लगे। मुलाकातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। कभी कॉफ़ी पर, कभी गीत के घर, सभी लोग मिलते रहते। गीत और सागर एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इंजॉय करने लगे थे। एक दिन सागर ने उसे पूछा, गीत, उस लड़के का नाम क्या है जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? गीत ने जवाब दिया, राजबीर। अच्छा, कैसा है नेचर में? सागर ने पूछा। पता नहीं, गीत ने ये जवाब दिया। सागर ने कहा, पता नहीं मतलब? गीत ने कहा, मेरी आज तक उससे कोई बात ही नहीं हुई, इसलिए पता नहीं। सागर ने बोला, क्या क्या मतलब है?
जिससे तुम्हारी शादी होने जा रही है उससे तुम्हारी कभी बात नहीं हुई? गीत ने कहा, नहीं यार, उसका कभी फोन नहीं आया, और जिस दिन हमारी सगाई थी ना उस दिन भी उसने मुझसे कोई बात ही नहीं की। सागर को बड़ा अजीब लगा, वो गहरी सोच में पड़ गया। सागर ने गीत से उसका नाम पता मांगा तो कहा, मैं कुछ पता करना चाहता हूँ। गीत को सागर पर अब इतना विश्वास था कि उसने सागर को राजबीर की डिटेल्स बता दी, और दो तीन दिन बाद जो सागर इन्फॉर्मेशन लेकर आया वो यकीन करने लायक तो थी ही नहीं। उस लड़के की मोहाली में कई लड़कियों से दोस्ती थी। वो एक आवारा लड़का था जो हर रात लड़कियां बदलता था। रात भर वो घर से बाहर रहता। गीत को जब सागर से ये सब सबूत के साथ पता चला तो गीत को बहुत शॉक लगा, धक्का लगा उसे। उसने घर पर ये सारी बातें बता दी। उसके पापा ने तुरंत पता लगाया और सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, और उन्होंने उसी वक्त रिश्ता तोड़ दिया। गीत ने तहे दिल से सागर का शुक्रिया किया, और अब सागर को पक्का यकीन था उसकी बेपनाह मोहब्बत परवान चढ़ने ही वाली है। अब उसका रास्ता साफ था। 3 दिन के बाद वैलेंटाइन डे आया। सागर ने उस दिन गीत को अपने दिल की बात बताने का सोच लिया था। बस वैलेंटाइन डे वाले दिन सागर ने गीत को फोन किया और छत पर आने के लिए कहा। गीत जैसे ही छत पर गई, सागर ने उसे गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर धीरे से उसके पास जाकर उसके कान में आई लव यू बोला। हाय, कितना रोमांटिक सीन होगा ना था। और गीत का रिएक्शन बड़ा अजीब था। हाँ, गीत उसके लिए तैयार ही नहीं थी। उसने उसका तोहफा फेंका और वहीं से तेजी से नीचे आ गए। सागर का दिल टूट गया। उस दिन के बाद से गीत ने कभी सागर से बात नहीं की, ना ही उसके किसी फोन का जवाब दिया। जब ये लोग उसके घर गए तो सिमरन तो मिली, लेकिन गीत कमरे से बाहर नहीं आई। अब उन दोनों के एग्जाम हो चुके थे। 2-3 दिनों में वो हमेशा के लिए वापस जाने वाली थी। सिमरन का दिल भी सागर के लिए रो रहा था। सभी दोस्त चाहते थे कि दोनों मिल जाएं। सिमरन ने गीत से कहा, हम लोग हमेशा के लिए वापस जा रहे हैं, क्या आखिरी बार सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं? प्लीज़ प्लीज़। और गीत को मना लिया। ठीक शाम को 3 दोस्त सिमरन और गीत के घर पर आ गए। वही 3 दोस्त, सागर, लव गुरु और वो प्रियराज। सागर ने गीत से कहा कि वो उसके बिना नहीं जी सकता, लेकिन गीत ने उसे साफ इनकार कर दिया। अब सागर को पक्का यकीन हो गया था कि गीत उसे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उसका दिल मान ही नहीं रहा था। अचानक सागर ने देखा कि गीत के दुपट्टे में मोमबत्ती से आग लग गई। सागर उसकी तरफ भागा और उसने अपने हाथ से आग बुझा दी, लेकिन उस आग ने उसका हाथ जला दिया था। गीत ये सब देखकर हैरान हो गई। उसे पहली बार सागर की मोहब्बत का अंदाज़ा हुआ। तुरंत उसने सागर को गले से लगा लिया। सागर को डॉक्टर के पास लेकर गई और पट्टी करवाई। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वो दोनों कभी नहीं भुला पाए होंगे। इस बार गीत की नींद उड़ गई। सुबह सागर को गीत का खत मिला। खत में क्या लिखा था जरा ध्यान से सुनिएगा। सागर, तुम्हारे साथ बिताए हुए लम्हे बहुत अच्छे थे। मैं इन्हें अपने साथ जिंदगी भर के लिए ले जा रही हूँ। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। जब तुम्हें ये खत मिलेगा मैं जा चुकी होंगी, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती। तुम्हारी दोस्ती को मैं मरते दम तक याद रखूंगी। तुम्हारी गीत। ये क्या, गीत ने ये क्या कर दिया? हम तो कुछ और सोच रहे थे कि शायद गीत अपनी इजहार मोहब्बत कर दे, लेकिन ये क्या गीत ने? सागर ने जैसे ही खत को पढ़ा
उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके दोनों दोस्तों ने सागर को देखा और कहा, अरे यार रोना बंद कर, ये दूसरा खत भी भेजा है गीत ने, जरा इसे तो खोल देख इसमें क्या लिखा है। सागर ने हैरानी से दूसरा खत खोला और उसमें लिखा था, हे हैंडसम, मैं जा रही हूँ पर तुम मेरे साथ जा रहे हो मेरे मम्मी पापा से मिलने और मेरा हाथ मांगने। तो फिर क्या ख्याल है, आओ चलें क्या? ये थी गीत और सागर की कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, यहीं पर मेरा इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि हर कहानी कुछ बोलती है, कभी आपके बारे में तो कभी हमारे बारे में।